जी अस्सलाम वालेकुम खातिर रात, आज है जी मई की 28, 2023 और दिन है आज संडे का। अच्छा आपको पता ही है कि 28 मई 1998 जो है योम तकबीर के की वजह से मनाया जाता है। योम तकबीर वही है जो पाकिस्तान ने चागे के मुकाम पे 1998 में आज के दिन अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। वो सारी इसकी हिस्ट्री पता है कि जी वो उस नवाज शरीफ थे, वो नहीं कर रहे थे, उनकी शर्ट पैंट गीली हो गई थी जब उन्हें कहा कि टेस्ट करें, वो इतना डरपोक आदमी है। तो फिर बहरहाल डॉक्टर अब्दुल कदीर ने और बाकी जो थे समर मुबारक वगैरह, उन्होंने उसको लॉन्च किया था टेस्ट को। तो बहरहाल ये बनाते हैं, ये सारा क्रेडिट उनको देते हैं। चलें किसी हद तक इनका क्रेडिट बनता है क्योंकि उस वक्त जो पीएम था वो ये भगोड़ा नवाज शरीफ था। एनीवेज तो लिबर्टी मार्केट जो है जिस जहाँ पे खान साहब ने बेशुमार जलसे किए हैं रिसेंटली अपने इस 3.5 साल 3.5 साल के टेन्योर में, उसके बाद भी जब उनको निकाल दिया उसके बाद भी काफ़ी सारे किए हैं, और वो जब भी करते हैं तो लिबर्टी बिल्कुल फुल हो जाती है, जैम पैक हो जाती है, हज़ारों अगर लाखों नहीं तो हज़ारों तो ज़रूर बार बंदे आते हैं। तो जो मरीम सफदर है इन्होंने भी अपने अपनी तरफ से अपनी अपना पावर शो किया है 28 मई को लिबर्टी में। तो आपने देखा होगा जो साफ़ी हैं, कुछ साफ़ी हैं कह रहे हैं कि 500-600 बंदा था, कुछ कह रहे हैं 500 से लेके 750 तक, 1000 तक बंदे थे मैक्सिम मिल मिला के। तो बहरहाल जितने भी थे तो सारा खालम खाली पड़ा था, आपने पिक्चर्स देखी होंगी, वीडियो भी देखी होंगी जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं। हालांकि इनके पास जो है पंजाब की गवर्नमेंट भी है और सारी मशीनरी भी इनकी है, इन्होंने वहाँ पे जो है नून लीग वाले वहाँ पे ट्रक लेके आए हुए थे खाने के। वैसे भी जो जो पटवारी हैं वो ये जो बिरयानी शिरयानी के काफ़ी शौकीन होते हैं, तो ट्रक आए हुए थे बिरयानी के, बाकी चीज़ों के, ड्रिंक्स भी थे। चलें गर्मी है और ड्रिंक्स तो चलो ठीक है, जायज़ है, वो भी उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ था। इवेंट भी जो मगरिब के बाद था, तो फिर भी इनसे बस ये 500 से 600 700 बंदे ही इकट्ठे हो सके हैं, ये इनकी हालत है। वहाँ पर सिंगर भी थे सुना है, कोई गुलगार भी थे जो नॉर्मली ऐसे जो ओपन एयर इवेंट में नहीं आते, जो प्रॉपर गुलकार हैं वो भी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि चलो जो भी कर सकें कि हम करें और बंदे इकट्ठे करें। बहरहाल बंदा इकट्ठा नहीं हुआ, कोई भी नहीं आया, 400-500 बंदे तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो मेखल खान साहब के वो जुबान पार के बाहर खड़े होते हैं, आजकल तो नहीं होते लेकिन पहले जब था इससे ज़्यादा खड़े होते होंगे। तो बहरहाल अब देखें कि खान साहब ने इनको ना सिर्फ भरपूर जलील कर दिया है सारी पार्टीज़ को, जितनी पार्टीज भी हैं पीडीएम की पंजाब में भी बाकी जगहों पे भी, ना सिर्फ जलील कर दिया है बल्कि गैर मकबूल भी कर दिया है पूरी आवाम की नज़र में। जो नंबर्स हैं, जो स्टेटिस्टिक्स हैं, खान की जो मकबूलियत है वो मेरे ख्याल 70-80% है आजकल, और सारे कह रहे हैं कि जितना ही जुल्म करी जा रहे हैं उस लिहाज से तो ऐसा था, वो 80 से ऊपर भी परसेंटेज जो खान की जो पॉपुलैरिटी है वो हो रही है। अब ऑब्वियसली इतनी इतनी पॉपुलैरिटी जो है, इलेक्शन आज होते हैं, साल बाद होते हैं, दो साल बाद होते हैं, जब भी होते हैं, जीतना इमरान खान नहीं है, जाहिर है अगर वो जेल से बाहर हुए और जिंदा हुए, अल्लाह करे कि जिंदा भी हों, जेल से बाहर भी हों और सेहतमंद भी हों, जब भी इलेक्शन होंगे तो साबित हो गया है कि इनकी इनके बस की बात नहीं है पीडीएम के। ये सारे 14 पार्टियां इन्होंने तिल का जोर लगा लिया, जुल्म तो चले जो करने थे कर लिए, बाकी सारा कुछ इन्होंने करने के बावजूद ये इनसे इनसे अब ये जो मकबूलियत है इनको वापस नहीं मिल सकती, अब जो मर्जी कर लें। इन्होंने जो काम कर दिए हैं रिसेंटली खवातीन के साथ, बच्चों के साथ, बंदों के साथ, लोगों के साथ, गरीबों के साथ, महंगाई वगैरह जो जो इकोनॉमिक जो क्राइसिस है वो तो है ही है, वो तो चलें थोड़ा बहुत खान के दौर में भी था, महंगाई तो जनरली थी उस वक्त भी, लेकिन अब जाहिर है उससे 2 गुना 3 गुना बढ़ गई है कुछ केसेस में, कुछ जगहों पर जो जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो सबको पता है कि उस जमाने में 6% की थी, अब शायद 0% है या 0.2 या 3% है, बिल्कुल पाकिस्तान बॉटम पे आ गया, रॉक बॉटम हो गया। लेकिन इनका बेसिकली देख लें कि इनसे एक लिबर्टी में एक जलसा नहीं हो सकता, बड़े ये वो वहाँ पे गाने शाने और खाने शाने भी इन्होंने मंगवाए थे, तो इनसे ये 500-700 बंदा मरीम जो है सब तरह इकट्ठा कर सकी हैं, कितनी शर्म की बात होगी, वहाँ पे स्टेज पे खड़ी बोंगियाँ मार रही होंगी और साथ में दिल में ज़्यादा शर्मिंदा हो रही होंगी, लाइव जा रहा होगा यूके में जब वो घोड़ा है वहाँ देख रहा होगा कि यार ये क्या है, कुछ भी नहीं है,
लेकिन उनको पता है कि हमारा ये काम ही नहीं है, हमारा काम तो धांधली करना है, हमने फ्रॉड मारने हैं, हमने तो वही काम करने हैं मिल मिला कर। एस्टैब्लिशमेंट ने इनको जिताना है जैसे भी जिताना है, धांधली चांदली। चलें वो जब होगा तो देखी जाएगी, इलेक्शन तो हर अभी हर है होराइजन पर नहीं है। गरीब खान ने ऑफर भी दिए इनको, लेकिन ये टॉपिक पारल सब यही था कि जो उन्होंने यौम तकबीर के नाम पर ड्रामा किया है मरीम सफदर ने, ये वही लोग हैं जो सारे इनमें से हर बंदे ने आर्मी को जी भर के गालियाँ दी हुई हैं, सरेआम गालियाँ दी हुई हैं, इनके भगोड़े से लेके कि छोटे से छोटे बंदे तक इन्होंने वो कह दिया था कि टांगे कांप रही थी तो ये है तो है इन्होंने। मरीम ने भी कोई काम नहीं किया, तो बहरहाल इनको जब मौका मिलता है तो फिर ये यौम तकबीर बनाते हैं, लेकिन अवाम ने इनको जी भर के जलील किया है। 500-700 बंदा इकट्ठा करना लिबर्टी में, ये तो हल कोई भी कर ले। चलें इनकी जिल्लत जो है मेरे ख्याल जारी रहेगी जब तक ये हैं, और इलेक्शन जब भी होते हैं, मेन तो जमहूरियत में मेन तो इलेक्शन ही है, तो इलेक्शन जब भी होंगे जैसे भी होंगे मेरे ख्याल खान भरपूर नंबर्स के साथ खान साहब जीतेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।